नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्लावर मिल बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें के ऊपर टॉपिक लेके आया हूं और इसके ऊपर बात करेंगे और अपना जो भी एक्सपीरियंस है मेरा फ्लावर मिल बिजनेस के बारे में उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं फ्लावर मिल बिजनेस में। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखे होंगे या जो कि आप लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं अभी, उनमें लोग फेल क्यों हो जाते हैं। फेल यूँ इसलिए होते हैं कि उनको नॉलेज कम होता है और आगे क्या होना है फ्लावर के साथ, मीन्स आटा के साथ आपको मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो सब बातें लोगों को पता नहीं रहता है। अपना डिसीजन सब कुछ ले लेता है कि चलो अब सीधा मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ। तो जी नहीं दोस्तों, इतना आसान मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग फ्लावर का बहुत ही टफ है, लेकिन अगर मैं जो भी बातें बताऊँगा, अगर ये सब अगर आप सीख लेते हैं और ये सब पर ध्यान देते हैं तो आपको मार्केटिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने पहले फ्लावर बिजनेस के बारे में एक वीडियो बना रखा हूँ जो कि उसमें अपना कॉस्टिंग आपको कितना पड़ेगा, ईच एंड एवरी थिंग्स, क्या क्या सेटअप होता है उसके लिए, एग्जैक्ट सेटअप की ज़रूरत है, वो सब बताया हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में दे रखे हैं वो वीडियो, क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले ज्ञान ले लीजिए कि आपको किस टाइप से सेटअप करना है बिजनेस को, कि आपको क्या क्या खर्चा पड़ेगा इसमें, कितना का इन्वेस्टमेंट आएगा, और अपना बजट तैयार कीजिए, फिर इस बिजनेस में उतरिए। क्योंकि ये फील्ड क्या है ना, कि आप अगर सपोज चार पाँच लाख खर्चे वाले या कहने के मतलब इन्वेस्टमेंट करने की आपको कैपेसिटी है कि आप 5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर लेंगे और इस मार्केट में अगर इजिली आप सर्वाइव करें, तो जी नहीं। अगर फ्लावर मिल बिजनेस में और फ्लावर मिल लगाकर आप सोचोगे कि अपना ब्रांड लॉन्च करूँ 5 लाख रुपये में, तो जी नहीं, बिल्कुल मत कीजिए इस बिजनेस को, क्योंकि उतने में होने वाला नहीं है। उसका भी मैं बहुत ही वीडियो में, जो पहला वीडियो है मेरा, उसमें मैंने आपको बताया हूँ कि किस टाइप का आपको बजट को लो करना है, इन्वेस्टमेंट माने जो सेटअप करने में, कंपनी को सेटअप करने में किस किस टाइप से आप बजट अपना लो कर सकते हैं, वो सब पे ध्यान देने वाली बातें हैं जो उसमें मैंने कर रखे हैं पहले ही। तो अभी आपको सिर्फ बात करूंगा मैं कि मार्केटिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और आपको किस टाइप से इसको रेट सेट करना चाहिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लमें आएंगी, लोग किस टाइप से आप लोगों से बिहेव करेंगे, किसके किसके पास आपको प्रोडक्ट लेके जाना है, बहुत सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। सो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि चैनल मैं भी बहुत सारे वीडियो इस टाइप का बनाता रहूं और आप लोग देखें, ताकि और लाइफ में अपने भूल करना, फ्लावर मिल बिजनेस अगर करना भी चाह रहे हैं कोई या कर भी रहे हैं, तो उसमें क्या क्या करेक्शंस करने की ज़रूरत है आपको, या क्या क्या गलती ना करें। क्योंकि जो जितने भी आपको मैं बात करूंगा, ये सारा का सारा मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है अपना। सो दोस्तों, सबसे पहले जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो उससे पहले क्या क्या करना है आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाइए, जो भी ब्रांड आप प्रिंट करवाएंगे। हाँ, ब्रांड प्रिंट की अगर बात करूँ, तो हमेशा आप अभी जो मार्केट में लॉन्च और चल रहा है कंटिन्यू, जिसकी हाईली डिमांड है, BOPP बैग पे प्रिंटिंग करवाइएगा अपना ब्रांड। अगर आप सोचोगे कि PP बैग पे प्रिंट करवा लूँ 24 kg का कट्टा या 25 kg का कट्टा और मैं उसको मार्केट में लॉन्च करूँ, तो जी नहीं, वो नहीं टिक पाएंगे आप। क्योंकि उसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि आपको एक तो पैसा की उसमें थोड़ी कम में तो हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या है कि आपकी प्रोडक्ट ख़राब होने लगती है मार्केट में। आप शॉपकीपर को जब देते हो तो 10 या 15 दिन तक वो मिनिमम होल्ड करते हैं, 15 से ऊपर भी हो जाते हैं। तो अगर उस टाइप के बैग में देंगे ना वीक, वो क्या होता है, थोड़ी सी कमज़ोर बैग होती है, और बहुत ही उसकी प्रिंटिंग जो करवाएंगे वो आपका उड़ जाएगा, माने लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं रहता है PP बैग पे। तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएंगे, उसमें कीड़े ये सब लग जाएंगे, तो क्या है कि लोग आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करने लगते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका मार्केट ख़राब होगा। एक तो मार्केट आपका बिल्कुल ख़राब हो गया, फिर आपको प्रोडक्ट बंदा लेना नहीं चाहेगा, शॉपकीपर्स या होलसेलर्स या सप्लायर्स। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएंगी कि आपको बैग की चार्जेस भी बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि एक तो आप प्रोडक्ट को ले जाएंगे वहाँ से, फिर लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, बैग की सिलाई, आपका लेबर, कोस्टिंग्स, वर्किंग और बैग का जो चार्जेस है, वो सारे ख़राब होते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर बिजनेस में उतरे हैं तो आप BOPP बैग पे प्रिंटिंग करवाएं, जो कि फुली लेमिनेटेड बैग होती है, और उसमें ना ही कीड़ा लगता है और ना ही बाहर से हवा जाता है, या बरसात के मौसम में आपके प्रोडक्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केटिंग कैसे करें।
तो आप जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट को शॉप्स कीपर या होलसेलर या सप्लायर के पास जब लेके जाएं, तो सबसे पहले अपने ब्रांड की और अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर एड्रेस देके एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाइए। आप विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाइए और विजिट कीजिए। सबसे पहले आप टारगेट कीजिए कि जो नियर बाई आपका होलसेलर्स हैं, क्योंकि वो लोग भी आटे का बैग ना आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट में सेल कर लेते हैं। कहने की मतलब कि क्वान्टिटी बैग की वो लोग भी ज़्यादा सेल कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों को पता नहीं रहता है, कि सोचते हैं यार कहाँ चलेगा मेरा, कैसे होगा, इतने इसका आटे तो सारे लोग घर घर में पिसवाते हैं। तो जी नहीं, जो मैंने कर रखा हूँ या जो मेरा है उसकी इतना कैपेसिटी है। मैंने तो सोच के रखा था कि ये कहीं फेल ना हो जाऊँ मैं, और फेल होऊंगा कैसे, अगर आपके अंदर गट्स गट्स है, उतना बिजनेस को कंट्रोल करने का पावर्स है, नॉलेज है आपके पास और सहने की कैपेसिटी है और कंटिन्यू उस पर वर्क कर रहे हैं, तो जी नहीं कभी फेल नहीं होते, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। मैं तो यही मानता हूँ और जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप विजिटिंग कार्ड पर प्रिंट करवाइए, उसके बाद सबसे पहले होलसेल अपना टारगेट कीजिए और नियर बाई दुकान को पकड़िए आप, जो आपके पास अपने टाउन में नियर बाई 3-4 किलोमीटर के एरिया में जो भी होगा उस पर विजिट कीजिए और बोलिए, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि ये मेरा बैग है, इस टाइप का प्रोडक्ट्स है, आप लीजिए माल। और उसके बाद जो भी कंप्लेन आएगा उनको कुछ वैल्यूएबल गारंटी दीजिए आप अपने प्रोडक्ट, जो बाकी लोग नहीं दे पाते हैं उनको, कि जो भी अगर प्रोडक्ट मेरा सपोज़ अगर आटे ख़राब हो जाते हैं या लोगों से कंप्लेन आता है, तो इसका 100% प्लेसमेंट मेरा रहेगा, आपको कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी रिटर्न माल आएगा वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में वापस कर लूँगा, आपको उसको नुकसान झेलने की ज़रूरत नहीं। इस टाइप की आप 4-5 उनको वैल्यूएबल्स गारंटीड बातें बोलिए, ताकि वो लोग इम्प्रेस होगा आपके बातों से और आपके प्रोडक्ट से, तब वो सोचेगा नहीं इनका जो प्रोडक्ट है वो जेन्यून है, इसलिए वो आपके ऊपर बिलीव करेंगे और माल आपसे लेंगे। दोस्तों जब माल वो लेंगे आपसे, तो क्या है कि होलसेलर, कोई भी होलसेलर या सप्लायर के पास जाएंगे माल लेकर, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि आपकी माल जो लेंगे आटा स्पेशल वो फुल्ली क्रेडिट में जाएगा। कहने की मतलब अगर मिनिमम अगर जो बंदा 30 बैग का वो कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, जो होलसेल आप जिसके पास गए हैं, तो आपको मिनिमम उसके पास 15,000 रुपये की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, कि एक दुकान आपसे ले रहा है माल, एक दिन में अगर 30 बैग ले रहा है, तो 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जाएगा एक दुकान के पास। तो आपका पूंजी कितना है वो पहले आप वेरीफाई कीजिए और अपने आप को कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशंस में लाइए कि मैं कितना शॉप को पकड़ूँ, होलसेलर को पकड़ूँ, सप्लायर को पकड़ूँ, और एक दिन में मैं कितना बैग अपना सेल कर पाऊंगा, या मेरा जो भी फैक्ट्री है या प्लांट्स है उसका कितना कैपेसिटीज है। ये सारी बातों को आप कैलकुलेट कीजिए और इन्वेस्टमेंट जो आपको 15,000 का लग रहा है फर्स्ट 30 बैग पे, तो उसका क्या होगा कि आपको मिनिमम वो 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन का टाइम लेगा माने आपको पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों सोच लीजिए, 1 सप्ताह 15 दिन क्या करते हैं लोग, बैठेंगे तो नहीं आप, है ना, और 30 बैग बेच के सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस में अपना नाम हासिल कर लूँ, तो वो होने वाला है नहीं, ये तो आपको भी पता है ना। मिनिमम आपको 100 बैग प्लस बेचना पड़ेगा, और स्टार्टिंग करेंगे बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 10 बैग से भी स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग अगर जो स्टार्टर्स है, जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि उनको अगर 10 बैग या 20 बैग या 30 बैग ही बेचना है, तो जैसे मैं 30 बैग का कॉस्टिंग बता रहा हूँ, 15,000 एक बंदे के पास फड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 30 बैग बेचे उसके बाद 6 दिन फिर बैठे रहे जब तक वो पेमेंट नहीं करे, ऐसा तो होगा नहीं, वैसे करेंगे तो चलेगा नहीं। तो सोच लीजिए आप, एक बंदे के पास आपका एक दिन में अगर माल ले रहा है तो 15,000 का ले रहा है, तो सोच लीजिए कितना आपको दुकान पकड़ना है। कम से कम आप 20 ऐसे होलसेलर को पकड़िए जिसकी पर डे की माने सेलिंग्स रेट 5 से 10 बैग हो। कहने का मतलब हर एक दिन आपका 2 ऐसा होलसेलर जरूर हो जाए। लिस्ट तैयार कीजिए, उस अपने आप कैलकुलेट कीजिए, 2 ऐसा होलसेलर हो जो आपको 20 बैग या 30 बैग मिनिमम 20-20 बैग या 30-30 बैग का ऑर्डर लगाएं। कहने का मतलब अगर आप 20 दुकान को पकड़ लेते हैं तो रोटेशन में डेली का आपको 20 बैग या 30 बैग की ऑर्डर आ जाएंगी एक के पास से। तो मिनिमम अगर 2 करते हैं तो कहने का मतलब 50-60 बैग का आपको प्रोडक्ट आ जाएगा ऑर्डर्स, तो उनको आप सप्लाई दीजिए। और 60 बैग में हर एक दिन, कहने का मतलब आपको 60,000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो कहने का मतलब अगर 7 दिन भी अगर कर रहे हैं तो 7×42 करने का मतलब 4,20,000 ओनली आपको मार्केट में पैसा फंसने वाले हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या करते हैं लोग सोचते हैं यार आटा का बिजनेस है, क्या है कि मैं तो कर ले रहा हूँ, एक साथ जाऊँगा और पैसा लेके आ जाऊँगा। जी नहीं, ऐसे दुकानदार और होलसेल और सप्लायर ऐसे कभी नहीं करते हैं। आप फील्ड में उतरेंगे यकीन हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैं ऐसे बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ आटे का, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर धंधा भी करे, बिजनेस भी करे या कर भी रहे हैं, तो इनमें
आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो, या जितने भी पैसा अगर 2-3 लाख लगा के करेंगे मार्केटिंग तो मैक्सिमम पैसा फंसने की आपको चांसेस है, आप मार्केट से फॉलो माने आउट भी हो सकते हैं, इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि हर आप तो इतना का 4,20,000 की मार्केट में पैसे फंसा दिए, अभी क्या करना है कि आपको डेली फॉलोअप करना है, करने का मतलब पैसे के लिए आप लिस्ट तैयार कीजिए कि कौन सा पार्टी मेरे को कौन से डेट को बुलाया है, और मिनिमम माने 1 सप्ताह का आप रोटेशन रखिए, और सारे लोगों के पास जिसका इसका 1 वीक से 10 दिन का जो टाइमली रखें, कुछ पार्टी आपसे 15 दिन का भी टाइम लेंगे तो उनका ध्यान रखिए कि उनका 15 दिन कब है, नोट डाउन कीजिए अपने डायरी में बुक्स में, तैयार कीजिए प्रिपरेशन कीजिए इसका मार्केटिंग के बारे में, और आप मार्केट में उतरिए, और उस बंदे के पास आपका जिस डेट को दिया है उस डेट को कैसे भी पेमेंट का फॉलोअप होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में क्या है ना कि लोग घुमा देते हैं, बोलते हैं कि मैंने, क्योंकि जो शॉपकीपर होते हैं, होलसेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो क्या बोल देंगे कि आपने कल नहीं आया, कल आपको बुलाए थे और मैंने पेमेंट कर दिया हूँ, राइस वाले को कर दिया हूँ, आप आइए 2-3 दिन बाद, तो इस बात को बहुत ध्यान। अभी हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं जो आज मैं बुलाए पेमेंट के लिए, अच्छा ठीक है आज मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ तो 2 दिन बाद जाते हैं, फिर वो क्या है कि पेमेंट टाइमली नहीं आ पाता है, अगर 1 दिन का पेमेंट भी टाइमली नहीं आ पा रहा है आपको तो क्या है कि नेक्स्ट टाइम से आप मार्केट में उतर नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि ऑलरेडी 4,20,000 या 5 लाख के आसपास आपने मार्केट में फंसा रखे हैं, फिर आप किस उम्मीद पे और कितना आप लगाएंगे उसमें, कितना भी ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर से जमीन बेच कर और पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे कभी, तो हमेशा याद रखिए कि लेट कभी मत कीजिए पेमेंट के लिए, लेट मत कीजिए, टाइम से 1 घंटा भले आप फॉलोअप करते रहिए ताकि आपको पेमेंट नहीं फंसे और मैक्सिमम टाइम पर आपको पेमेंट मिल जाए। होलसेलर जितने हैं उसके लिस्ट बनाइए, और साथ में मैं बोलूँगा आपको कि 5 केजी और 10 केजी का लॉन्च कीजिए आप, अगर आपको नहीं है कैपेसिटी कि मैं पाउच प्रिंट करवाने का, तो रेडीमेड दोस्तों पाउच मिल जाते हैं, अगर आप मुझसे कमेंट में सलाह लेंगे कि कैसे मिलते हैं रेडीमेड पाउचेस, कहाँ से मिलते हैं, या मेरे से आइडिया लेंगे आप कि, या तो मुझे बताएंगे, कॉल करेंगे, मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नंबर लेके बात कर सकते हैं मेरे से, कहाँ से 5 किलो और 10 किलो की पाउचेस मिलते हैं, और पाउच में क्या क्या खूबियाँ है, कितनी की आपको बचत होगी, हमेशा याद रखिएगा कि पाउच में और 25 का कट्टा बेचेंगे ना, तो आप इतना समझ लेना कि जो 25 केजी का आटे को सेल करोगे ना, उतना आपका 5 केजी का आटा में आपको इनकम होगा, तो 5 केजी और 10 केजी का भी कैसे मार्केटिंग करना है, अगर आप अपना प्रिंटिंग नहीं है आपको तो पाउच में निकालना है, या छोटे छोटे झोले में होते हैं जो 5 केजी 10 केजी का, अगर रेडीमेड वो भी मंगवाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप, आपको मैं राय दूंगा या सलाह दूंगा, यहां तक अगर जितनी हो सके हेल्प मैं आपको मंगवा भी दूंगा, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, और फुली 100% इसके बारे में कोई भी कहीं भी आपको प्लांट सेटअप करने की राय लेनी है या मार्केटिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए सब बातें बोल रहा हूं। सो दोस्तों और भी मैं इसके ऊपर आगे वीडियो बनाता रहूंगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में कॉमेंट कीजिएगा जो जो आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। थैंक यू।